एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 30 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 29 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 30 का सॉल्यूशन। यहाँ लर्निंग आउटकम्स में दे रखा है, द लर्नर यूजेस द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा था, अब यहाँ इस वर्कशीट में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना स्पीकिंग में और राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दे रखे हैं, हम समझते हैं सेंटेंसेस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फर्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसेस द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स, जो प्राइस हैं थिंग्स की हैव बीन इंक्रीज, जो बड़ी हैं बढ़ रही हैं फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से, ठीक है। सेकेंड है, इंडियंस हैव बीन वर्शिपिंग द वेदास फॉर 2000 ईयर्स। जो इंडियंस हैं वो वर्शिप कर रहे हैं वेदास को, वेद को, कितने, फॉर 2000 ईयर्स से, ठीक है। 2000 ईयर्स से जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं वेद को। स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, अब समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में आता है हैव, देन होगा बिन, देन होगा वर्ब की फॉर्म और आईएनजी, देन होगा अदर वर्ब्स। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में होगा हैज बिन, वर्ब की फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, यहाँ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के लिए। आई वी यू दे प्लूरल नाउन हैव बिन, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, अदर वर्ब्स। ही शी इट के साथ सिंगुलर नाउन हो और तो यहाँ यूज करेंगे हैज बीन, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, अदर वर्ब्स, ठीक है, ये याद रखना है। रिकॉग्निशन वर्ड्स हमें इन सेंटेंस में दिखेंगे, फॉर सिंस बिफोर टाइम, ठीक है। फॉर दे रखा होगा इन सेंटेंस में, सिंस दे रखा होगा, बिफोर टाइम दे रखा होगा, ठीक है। फॉर बिफोर पीरियड ऑफ टाइम एज 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, फोर का यूज़ करते हैं बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 डेज, 3 आवर्स, इस तरह से। और सिंस का यूज़ करते हैं बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट जैसे कुछ सालों से, अगर हमें कुछ दिनों का आइडिया नहीं है कि कितने दिन हैं तो हम यूज़ करते हैं फोर का। और अगर पर्टिकुलर पॉइंट है उस डे का, अगर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, जैसे मॉर्निंग फ्राइडे 21 जुलाई एक्सेट्रा, तो हम यूज़ करते हैं सिंस का। ये ध्यान रखना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यूज़ करना है सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम है तो यूज़ करना है फोर का, ठीक है। और स्ट्रक्चर में हमेशा यूज़ आएगा हैज़, हैव बीन, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखे हैं, हमें यहाँ करना है नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट और इंटरोगेटिव सेंटेंस में उन्हें कन्वर्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस से फर्स्ट सेंटेंस समझते हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से सीख रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ यूज करा है फोर का। और हैव बीन हमें दिख रहा है आई के साथ में, और लर्न के साथ में आई एन जी फॉर्म है, तो ये किसका टेंस का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैव के साथ नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 ईयर्स। और इंट्रोगेटिव में सेम हैव को आगे ले जाएंगे, सेम सेंटेंस एज इट इज रहेगा, हैव आई बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड है, दे हैव बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस 2015। अब पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 2015, तो यहाँ यूज हुआ है सिंस का, दे के साथ यूज करेंगे हैव बीन रिपेयरिंग, ठीक है। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस 2015, हैव देर बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस 2015। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड दे रखा है, ही हैज बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स, पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा, 10 साल, 10 साल से वो खेल रहा है, अब पर्टिकुलर टाइम तो पता नहीं है पर 10 साल से खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ यूज हुआ है फोर, हैज बीन यूज हुआ है ही के साथ, प्लेइंग प्ले के साथ आई एन जी फॉर्म यूज हुआ है, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर दी
ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। यहाँ आगे ले जाएंगे हैज को इंट्रोगेटिव में, हैज ही बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स, देन क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, 2015 के बाद में भी क्वेश्चन मार्क आएगा और ईयर्स के बाद में भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें ब्रैकेट्स में वर्ब्स दे रखी हैं, सेंटेंस दे रखे हैं जो कि अनफिल है, हमें करेक्ट फॉर्म में इन्हें फिल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसे फिल करना है सेंटेंसेस को। फर्स्ट है, शी ब्लैंक ड्रामा फॉर अ वीक। वह एक सप्ताह से ड्रामा कर रही है, ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही है, तो यहाँ प्रैक्टिस वर्ब दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग ड्रामा फॉर अ वीक। सेकेंड है, आई ब्लैंक दिस बुक सिंस यस्टरडे। अब कल की बात है तो ये पर्टिकुलर टाइम हो गया है, इसलिए यहाँ सिंस का यूज़ हुआ है। रीड हमें वर्ब दे रखी है, यहाँ यूज़ करेंगे आई के साथ में हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस यस्टरडे। थर्ड है, राजू ब्लैंक वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल से बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहा है, वर्क दे रखा है, अपना वर्क दे रखी है वर्क। ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे राजू हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। फोर्थ है, इट ब्लैंक सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। यहाँ दे रखा है रेन, यहाँ लिखेंगे सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, पर्टिकुलर टाइम दे रखा है इसलिए सिंस का यूज़ हुआ है। यहाँ लिखेंगे इट के साथ में हैज़ बीन और रेनिंग हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म आईएनजी। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस है, द कैटल ब्लैंक इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। यहाँ ब्रैकेट में हमें दे रखा है वर्ब ग्रेज यानी चलना, तो यहाँ द कैटल दिखने में सिंगुलर है, बट द कैटल, जो कैटल शब्द होता है वो पशु का झुंड होता है, यानी ये प्लूरल वर्ड होता है, तो यहाँ यूज़ करेंगे द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। पशु का झुंड, जो पशु हैं वे चर रहे हैं सुबह से एक खेत में। ठीक है, इस तरह से यहाँ यूज़ करेंगे हैव बीन ग्रेजिंग। तो इस तरह से था ये वर्कशीट 30 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना, कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, हैव बीन वर्क की फॉर्म आईएनजी, ही इशी इट सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर नाउन, और हैज़ बीन यूज़ करते हैं इनके साथ में वर्क की आईएनजी फॉर्म के साथ। इसी तरह से रिकॉग्निशन वर्ड्स भी दे रखे होते हैं इन सेंटेंस में, जैसे फोर है और सिंस है। फोर यूज़ होता है बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस यूज होता है बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह से था इस वर्कशीट में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम आगे भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।